इसी चैनल पे आपको डेली एनालिसिस सीटेट की मिल रही है, जो प्रश्न आपके आते हैं। और आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे आने वाली शिफ्ट में जो भी आपके साथी दोस्त हैं। शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आज का पेपर कैसा गया? आज का पेपर था, उसको मॉडरेट ही कहेंगे, लेकिन CDP की जो लैंग्वेज थी वो थोड़ा मिस थी और टफ कर गया था। अच्छा, मतलब जैसे कि अभी तक होता क्या था, एक हम लोग पॉजिटिव वर्ड ढूंढ लेते थे उससे हो जाता था, आज वैसा नहीं था। वैसा बिल्कुल नहीं था, मतलब दो ऑप्शंस लग रहे थे जो करेक्ट हैं। और EVS में कोई क्वेश्चन याद हो आपको? EVS में सिर्फ दो तीन क्वेश्चन से था, ब्रॉन्ज से क्वेश्चन था और बीहाइव वाला था, मतलब पिजन से था और दो तीन NCERT से थे, बाकी और हाउस वगैरह पे, मतलब क्या कोई पक्षियों की विशेषता वाला। और उसमें मतलब कि गोवा और पश्चिम बंगाल में कौन सा सागर लगता है, ऐसा कौन सा सागर लगता है, क्या कोई मैप से भी क्वेश्चन था? नहीं, मैप से तो नहीं दिया है। और मैथ में घड़ी का अंतराल पूछा था, कितने टाइम बज रहे हैं तो उसमें कौन सी कितनी घड़ियां, मतलब अब कब बचेगी। अच्छा, क्या कोई मैथ में ऐसा क्वेश्चन हम बता सकते हैं? नंबर सीरीज का प्रश्न था कि पक्षी पे था, पक्षी पे था। और क्या कोई विशेषता जो होती है, घरों की विशेषता पे था। अच्छा, कोई जनजात भी पूछी गई, जैसे लेखा होता है, रेबो हो गया, ऐसा कुछ पूछा गया? और आपकी इंग्लिश थी कि संस्कृत? इंग्लिश कैसी थी? इंग्लिश टफ थी, इंग्लिश के पैसेज टफ थे, हिंदी दोनों पैसेज टफ थे था। एक पैसेज टफ था, एक ज्यादा थोड़ा लेंदी था। अच्छा, लेंदी थे। हिंदी के पैसेज इजी थे। मैथ्स में कोई क्वेश्चन आप लोगों को याद हो? मैथ्स में वही यूजुअल जो पहले आ रहा है, वैन हिले, जॉर्ज पोलिया, ये सब जी जी ये सब थे। मैथ्स का इजी पोर्शन था। मैथ्स में कोई ऐसा क्वेश्चन याद हो, जैसे कि 11 में 111 जोड़ी, 111 में 1011, इस टाइप का समथिंग होता है क्वेश्चंस या नंबर सीरीज का? 9898 को अगर 98 से डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा? अच्छा, ये वाला आया था, ये याद है, क्योंकि ओवरऑल आपका पेपर कैसा गया? अच्छा था, हाँ, 100 प्लस उम्मीद करते हैं। फर्स्ट टाइम आप लोग दे रहे हैं जी? फर्स्ट टाइम है। आपका कैसा? फर्स्ट टाइम, ठीक, अच्छा। पेपर बढ़िया गया। आप लोगों ने कहाँ से प्रिपरेशन की? ऑनलाइन, मतलब सचिन सर की, हिमांशी मैम, दोनों के वैसे देखे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा पेपर जाए। तो आज हमारे साथ अभिषेक भाई जुड़ रहे हैं, आज उनका परीक्षा था। अब पूछते हैं, आज का पेपर कैसा रहा? आज का पेपर बहुत अच्छा था, बहुत ही मतलब ईजी टू मॉडरेट लेवल था पेपर का। और वही CDP में वही जीन पियाजे और कोलबर्ग ये सब आए थे और पेपर नॉर्मल था। अच्छा, EVS में कोई प्रश्न आपको याद है जो आज आया? EVS में मधुमक्खी से रिलेटेड प्रश्न आया था जी, और भी आसान थे। क्या कोई जैसे जनजाति पे प्रश्न हो, घरों की विशेषता पे प्रश्न हो? हाँ, घर असम का, असम से रिलेटेड। अच्छा, बम्बू वाला आया। और कोई प्रश्न आपको याद है जो आपको याद हो? NEP, NCF, कोई फुल फॉर्म? NCF 2005 से प्रश्न थे, NEP 2020 से प्रश्न थे, और प्रश्न को घुमा के रखा गया था थोड़ा, बस चीज़ें वही थी, बस घुमा के प्रश्न रखा गया था, बाकी आसान था पेपर। आपका संस्कृत था कि अंग्रेजी? इंग्लिश। इंग्लिश कैसा गया आपका? इंग्लिश थोड़ा लेवल हाई था उसका, मैं मॉडरेट लेवल था। इंग्लिश में जो है, अगर उसमें जो नई शिक्षा नीति से रिलेटेड भी प्रश्न थे उसमें। अच्छा, NEP से रिलेटेड प्रश्न थे। ओवरऑल पेपर आपका कैसा? पेपर ठीक गया, अच्छा गया, बस इंग्लिश का थोड़ा दिक्कत है, बाकी सब अच्छा गया। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू। कोई प्रश्न जैसे 11 में 11 जोड़ी, 111 जोड़ी, हाँ ऐसा आया था, ऐसा वैन हिले थे पेपर में? हाँ, वैन हिले भी थे। और जॉर्ज पोलिया थे, और लेवाई गोस्ती हुआ था, और जिन पे आजेस आया था। अच्छा, तो मतलब आपने संस्कृत ली थी कि इंग्लिश? इंग्लिश कैसा गया? पैरा का थोड़ा लेंदी था, पढ़ने में दिक्कत हो, लेकिन पढ़ने में सही हो गया। आपने कहाँ से प्रिपरेशन की थी मैम? हम बायजूस सचिन सर से बस। ओके, थैंक यू मैम।